दाल माँझ को बॉईल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें जो है ना हल्दी डालेंगे, ताकि वो इसमें जब बॉईल हो जाएगी तो इसमें कलर आ जाएगा, येलो येलो हो जाएगी, बहुत प्यारी लगती है। हाफ टी स्पून जो है हम सॉल्ट डालेंगे, नमक, वो बॉईल करने के लिए रख देंगे जब तक ये चेक कर लेंगे हम इसे कि ये नरम हुई या नहीं, टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कम से कम 7 से 8 मिनट होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं दाल माश, और उनमें जो चीज़ें डाली जाएंगी वो ये हैं। पाव हमने दाल ली है और इसको बॉईल किया है, बॉईल करने का तरीका मैंने दिखाया है आप लोगों को, और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है, देखिए ये। और 3 टमाटर हैं और 3 जो है तेज़ वाली हरी मिर्ची भी मिक्स की है इसमें, टमाटर में ग्राइंड किया, 1 प्याज है और हरी मिर्ची 3 है तेज़ वाली, और धनिया है और रेड चिली है, 2.5 चम्मच है मेरे ख्याल से, और नमक है 1 चम्मच, हल्दी है 1/2 चम्मच, और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और काली मिर्ची है 1/4 हिस्सा, और लौंग है, दालचीनी है, 2-2, 3-3 पीस भी हैं, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून है लहसुन अदरक। 1/2 कप ऑयल डाल दें, 1/2 प्याज डालेंगे, 1/2 अदरक डालेंगे, 1/2 जब तक स्मेल नहीं निकलेगी लहसुन अदरक की, ब्राउन ब्राउन हो गया, स्मेल भी खत्म हो गई, और ये टमाटर और हरी मिर्च जो थी वो डालेंगे, ऑयल ऊपर आ गया टमाटरों के अंदर से, और अब हम मसाले ऐड करेंगे इसमें, मसाले डालें, इनको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं, कि हमारा मसाला भी भुन गया और ऑयल भी इसने छोड़ दिया। अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे, और बिल्कुल ही हल्के फ्लेम पे जो है ना मसाला हमें भूनना है, वरना ये नीचे लग जाता है। हमने दाल डाल दी, इसको मिक्स करेंगे, अब ये भी देखना है कि आप अगर ये ढीली ढीली खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, या तो खुश के ऐसे सूखी खा सकते हैं, तो फिर ये तो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए इसको पकाएं और ये रेडी है, बाकी अगर वो ढीलापन चाहिए तो थोड़ा पानी ऐड करें और पानी को 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएं, और वैसे दाल तो पकी ही है, बस इसमें मसाला मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा हीट लगानी है, रेडी हो जाएगी। तो आप लोगों
मुझे थोड़ा ढीलापन चाहिए इसमें। हाफ कप पानी डालूंगा इसमें। ये लें दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।